नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट में रियल इमेज बनाई, रियल इमेज बनी एक लेंस के साथ, रियल इमेज बनी। रियल इमेज कैसे बनी? वो कह रहे हैं रियल इमेज में यू और वी लिया होगा, और यू और वी जो आपने रियल इमेज में लिया उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये ग्राफ भी आ गया, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, बताओ कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स की कनकेव? रियल कौन बनाता है? कन्वेक्स। तो एक आंसर क्या है? कन्वेक्स, सही है। कह रहे अगर ये कन्वेक्स है इसकी फोकल लेंथ निकाल दो, तो ग्राफ में से यू दिख रहा है, ग्राफ में से इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वी दिख रहा है, और रियल इमेज में यू इज नेगेटिव, वी इज पॉजिटिव, लगा देना लेंस फॉर्मूला, एफ निकाल लेना। क्लियर है यहां तक कैसे इसको क्वेश्चन को करना है? बहुत आता है ये जेई मेंस के अंदर बहुत आते हैं ऐसे ग्राफ लीड करने यू और वी के। जैसे टीआईआर की प्रॉब्लम करवाई थी मैंने, ट्राइंगल्स वाली, याद है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्राउन ग्लास है, देखो दो किस्म के प्रिज्म के ग्लास होते हैं, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, हम प्रिज्म चैप्टर में करेंगे, अभी इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। वो कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, दिख नहीं रहा ऑब्जेक्ट, ऐसा पी क्यू ऑब्जेक्ट है, पी क्यू ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्रिटिकल एंगल गिवन है 41 डिग्री। कह रहे रे डायग्राम बना के दिखाओ और टी आई आर करके दिखाओ। हमने किया हुआ है, अगर ट्राइंगल में रेज 90 डिग्री पे इस हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री पे हिट कर रही हैं, तो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था रे टी आई आर, टी आई आर बाहर, यहाँ से रे गई टी आई आर बाहर, इमेज बन गई। फिर अगर यहाँ से बनाना है तो रे आई रिफ्रैक्शन, टी आई आर रिफ्रैक्शन इमेज, यहाँ से आई रिफ्रैक्शन, टी आई आर रिफ्रैक्शन इमेज। तो अगर इस हाइपोटेन्यूज के पैरेलल अगर रेज हिट करनी है तो एक टी आई आर होता है, और अगर हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री पे हिट करवानी है तो दो टी आई आर होते हैं। ये डायग्राम याद करने हैं, टी आई आर में अगर हाइपोटेन्यूज के पैरेलल है तो वो डायग्राम, और अगर रेज 90 डिग्री पे है तो ये डायग्राम, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं आएगा तो ये सुन लो, वो कह रहा है इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड। एक लिया मैंने कनकेव मिरर, हमने किया नहीं कोई बात नहीं छोड़ दो, और एक लिया मैंने कन्वेक्स लेंस, मैंने वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़ा दिया, तो बताओ फोकल लेंथ का क्या हुआ? मिरर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि लैम्डा बढ़ने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज ही नहीं होता, वो तो ग्लास का थोड़ा बना हुआ है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है। मिरर को कोई फर्क ना पड़ता तुम वेवलेंथ चेंज करो या ना करो, बट लेंस को पड़ता है। अगर आपको याद हो वेव ऑप्टिक्स, हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर मैं मीडियम चेंज करता हूं तो मेरी वेवलेंथ वैक्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय म्यू हो जाती थी, किया था हमने, बाय म्यू कर दो। अब ये देखो कि अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला देखो तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस वन है। अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ, अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटा दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ, अगर मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटा रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं म्यू को घटा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा डिनोमिनेटर क्या होगा? डिक्रीज। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। तो आंसर इज इंक्रीज। तो अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो आपका लैम्डा घटेगा उस मीडियम में, नए मीडियम में लैम्डा की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा? ये आंसर आएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, अगर आप वेवलेंथ ये कर लें, वेवलेंथ बढ़ाते हैं, पहले लैम्डा वन से लैम्डा टू कर दिया, अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? घटती, क्योंकि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली यार अगर तुम म्यू वन को बड़ा करोगे तो मैंने वो रिलेशन बता ही दिया, अगर आपका वेवलेंथ ये म्यू घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी। शॉर्टकट याद कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ने से फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ती है, सेम नहीं रहती। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपने एक कन्वेक्स लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है,
और ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और दोनों बराबर है एन वन एन टू, रे डायग्राम ड्रॉ करो। तो अगर लेंस का और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रिफ्रैक्शन नहीं होने वाली, रेस सीधा जाएंगी। लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े, एन टू बढ़े एन वन से, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा क्योंकि दिख रहा है कन्वेक्स लेंस है। लेकिन अगर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन बढ़े, लेंस का छोटा है, तो कन्वेक्स कैसे एक्ट करेगा? लाइक कनकेव। तो कन्वेक्स है वो कनकेव की तरह काम करना शुरू कर देगा, बिहेवियर उल्टा होता है, हमने लेंस मेकर के अंदर डिस्कस किया था। सेम कहता है डायग्राम ड्रॉ करो कनकेव का, अगर एन वन एन टू के बराबर है रेस सीधी, अगर अंदर का मीडियम बढ़े तो डाइवर्जिंग लेंस है, सही है, और अगर बाहर का मीडियम बढ़े तो दिखने में कनकेव है लेकिन काम ये कन्वेक्स का करेगा, उल्टा बिहेवियर है क्योंकि बाहर का मीडियम बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो डायग्राम्स क्लियर है यहां तक? ठीक। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि एक ना प्लेन मिरर है, एक बीकर है, एक बीकर है, पानी है, टी डिस्टेंस तक पानी है, ये फ्लोर है, ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर इस फ्लोर की इमेज कहां बनाएगा? ये क्वेश्चन है, रियल और एपरेंट डेप्थ की प्रॉब्लम है। मिरर फ्लोर को देखना चाहता है, जहां उसे फ्लोर दिखेगा ये इमेज भी वहीं बनाएगा। अब फ्लोर कहां दिखेगा? जो पानी की डेप्थ है वो टी है, अब टी पे तो दिखेगा नहीं, फ्लोर उसको ऊपर दिखेगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी, और डी का मतलब है नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का ये फॉर्मूला याद है कि ये टी थिकनेस है, तो नॉर्मली मीन्स ये फ्लोर उसको यहां दिखेगा, यहां दिखेगा। तो मिरर से ये डिस्टेंस कितना हो गया? एच में से डी को क्या कर दें? माइनस, डी की वैल्यू पुट कर दी। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है, तो मिरर इमेज भी एग्जैक्टली इतनी दूरी पे ही बनाएगा। तो पहले आप ये निकाल लें कि मिरर का फ्लोर से क्या डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का होगा। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे निकालना है? पहले ये डिस्टेंस निकाल लेना है, एच में से माइनस कर देना है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया ये रहा, और यही इमेज का डिस्टेंस है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा इसमें? ठीक है, ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त न्यूमेरिकल है, मैं बता रहा हूं आपको। आप एक्सपेक्टेशन देखो, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है इसमें, और ये कम से कम एक दो बार आया हुआ है बोर्ड के, कम से कम मेरे ख्याल से ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। और मतलब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, आपसे होगा नहीं, ये होएगा नहीं। और है इसमें हल्का सा ट्रिक, इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे एक बात पूछी है कि मैं तुम्हें 3 लेंस दूंगा और मैं आपको ऑब्जेक्ट दूंगा 60 पे और इमेज दूंगा कहां पर? फाइनल इमेज तीनों ने मिलके कहां बनाई? 30 पे दे दिया। फोकल लेंथ तीनों लेंस की 30 है, 30 30 एंड 30, ये भी दे दिया। आपको बस ये बताना है दोनों लेंस में L1 L2 में, L2 L3 में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये बताओ। ये क्वेश्चन है। मैंने क्या सिखाया था? आप डायग्राम तो बना नहीं सकते, चुप करके पहले लेंस से शुरू कर लें। फर्स्ट लेंस के लिए U कितना है? -60। U लगाएं -60। फोकल लेंथ कितनी है? +30, और V निकाल लें। तो आप इसमें फोकल लेंथ पुट करें, आप इसमें U पुट करें और V निकाल लें। V कितना है? 60। तो पहला लेंस 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा, बात खत्म। जहां बनाएगा बनाएगा, पर 60 पे बनाएगा, याद रखना। ठीक। अब अगर ध्यान से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पकड़ में, जो क्वेश्चन सोल्व करेगा, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30। और ये फाइनल इमेज भी कहां बना रहे? 30। मतलब अगर ये फाइनल इमेज फोकल लेंथ पे बना रहा है अपनी, मतलब रेस कैसे आ रही थी? पैरेलल। तो रेस कैसे आ रही थी? पैरेलल, तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अगर ये लेंस फोकल लेंथ पे इमेज बनाता है तो पीछे से जो रेस है वो कैसी आनी चाहिए? पैरेलल। पहला स्टेप क्लियर है, पैरेलल रेज ही फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। तो एक आंसर आ गया। वो पूछेगा L2 L3 में दूरी क्या है? तुम बोलोगे जो मर्जी रख लो फाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि रेज ने बेंड तो होना नहीं, तुम कम रखो ज्यादा रखो, फाइनाइट डिस्टेंस कुछ भी ले लो, एनी डिस्टेंस विच इज फाइनाइट,
ये आंसर है इसका, फिक्स्ड आंसर ही नहीं है, क्योंकि तुम कोई भी दूरी रख लो, फर्क क्या पड़ता है, रे ने सीधा ही एंटर करना है। तो इन दोनों में दूरी कुछ भी रख लो। अब नेक्स्ट, इस लेंस ने इस रेस को पैरेलल किया है, मतलब पक्की बात है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो कहां पर पड़ा होगा, इसके फोकस पे, क्योंकि अगर इसके ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है तभी रेस क्या हो रही है, पैरेलल। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ, इसके फोकस पे, और फर्स्ट लेंस ने इमेज को कहां बनाया था, एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या निकाला था हमने, 60, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसने इमेज को कहां बनाया, 60 पे, और इसने ऑब्जेक्ट को कहां रखने, अपने फोकस पे, इसका मतलब दोनों लेंस में दूरी कितनी है, 90, क्योंकि इसने 60 पे बना देनी है और इसकी बनाई हुई इमेज इसका ऑब्जेक्ट है, और इसने क्या बोला था, मेरे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, मेरी फोकल लेंथ पे, और इसने 60 पे रख दिया, इसने एफ पे रख दिया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 90 है। आप मतलब एक्सपेक्टेशन देखो, और ये नहीं है कि किसी किताबों में गिवन है, ये सीधा एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला था इस तरीके से। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम क्वेश्चन आएगा, वो कुछ भी इस टाइप से चेंज करके दे सकते हैं, ये लेवल वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट का कि वो 3 नंबर में इतना लेवल करके आए डेवलप। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो ना, प्लस टू का स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि मैं थ्योरी याद करूंगा, डेरिवेशन याद करूंगा और मेरा पेपर बढ़िया होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके 23 नंबर ही आएंगे बस, उन्होंने उतने डालने हैं जिससे आप सिर्फ पास हो सकते हो, बाकी तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही चेक करना है। मैं पहले ही बता दूं, इस गलत फहमी मत रहना। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, और लास्ट में